On my head I have a crest, all say I dance the best of my feathers. I am proud before the rain, I cry aloud the peacock. Long and grooved is my tail, high up in the sky I pick and eat all the mice. The eagle is what you call me. Okay, so today we will learn one chapter, and the chapter name is the Flying High, chapter number 8, class 3 and EVS. On my head I have a crest, all say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud. मतलब मेरे सिर पे कलंगी है, मैं डांस सबसे अच्छा करता हूँ, लोग कहते हैं मेरे पंख जो है मुझे उन पर गर्व है, बारिश से पहले मैं जो है जोर जोर से बोलता हूँ. मोर है, पिकॉक लिखेंगे आप इसका. लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, मेरी पूँछ जो है वो बिल्कुल घूमी हुई है पाइप की तरह है. हाई अप इन द स्काई आई सेल, मैं ऊँचे आसमान में उड़ता हूँ. माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज रेड, गवावा एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फेड. आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. द पैरट, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक. काँ काँ आई डू ऑल डे लॉन्ग. द क्रो, ओके सो नंबर 3 बर्ड इज क्रो. माई फेदर सॉरी पैरट, माई फेदर्स आर ग्रीन, मेरे पंख जो हैं हरे रंग के हैं. माई बीक इज रेड, मेरी चोंच लाल रंग की है. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड, अमरूद और मुझे हरी मिर्च जो बहुत पसंद है. आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस, मुझे लोगों की आवाज़ को कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और शोरगुल करना मुझे अच्छा लगता है. पैरट है, ब्लैक आर माई फेदर्स, ब्लैक इज माई बीक, चोंच भी मेरी काली है, पंख भी काले हैं, आवाज़ है मेरी काँव काँव, पूरे दिन ऐसे करता रहता हूँ. बताओ कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड. सो दिस इज द क्रो. ओके नेक्स्ट बर्ड इज कुकू इज माई साउंड, एवरी वेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम. आवाज़ है मेरी कुहू कुहू, बहुत ही मधुर आवाज़ है, बहुत ही मीठी आवाज़ है. हर जगह इस आवाज़ से मुझे मतलब प्रसिद्ध हूँ, हर जगह मैं फेमस हूँ और हर जगह मैं पाया जाता हूँ. स्वीट वॉइस के कारण मुझे प्रसिद्धि मिलती है. एंड कोयल इज़ माई नेम, ओके कोयल लिख सकते हैं, कुकू लिख सकते हैं. डेड एनिमल्स आई डू ईट, मरे हुए एनिमल्स को खाना इसका काम है. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, जगह को जो है साफ रखता है, उस जगह को साफ कर देता है. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय. वल्चर इसका नाम है और आसमान में ऊंचाई पे उड़ता है. वल्चर गिद्ध इसको हिंदी में बोलते हैं. नेक्स्ट है माई बीक इज वेरी स्पेशल, मेरी चोंच बहुत ही खास है. आई यूज इट लाइक ए नीडल, इसको मैं सुई की तरह इस्तेमाल करता हूँ. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द टेस्ट बर्ड इज हाउ आई एम नॉट. सो दिस इज द टेलर बर्ड, टेलर बर्ड है जो अपनी चोंच का इस्तेमाल एक सुई के रूप में करता है. माई बीक इज पिंक, मेरी जो बीक है वो पिंक कलर की है. फेदर्स ग्रे, मेरे पंख हैं वो ग्रे कलर के हैं. गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे, पूरे दिन गुटर गू करता रहता हूँ, ये मेरी साउंड है. और इन हाउसेज आई मेक माई होम, घरों में अपना घर बनाता हूँ. सो दिस इज पिजन. इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, पेड़ों की जो तना होता है उसमें मैं अपने होल करता हूँ, छेद करता हूँ. हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, छुपे हुए कीड़े मकोड़े उनको मैं बाहर निकालता हूँ. टुक टुक करता रहता है, टक टक. आई वर्क ऑल डे, कौन सा है. सो दिस इज वुड पैकर. वाई इज देयर इज सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. सो दिस इज द आउल, उल्लू बोल रहा है जंगल में इतना शोर क्यों है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ. क्योंकि उल्लू जब वो दिन में सोता है, ठीक है, तो दिन में शोरगुल होता है जंगल में, इसलिए वो बोल रहा है वाई इज देयर सो मच नॉइज. डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग, एंड दिस इज बुलबुल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड. ओके सो द आउल सेड स्टॉप दिस हुल्लाबुलू, व्हाई आर यू क्वेरलिंग. सो I think 11 birds, about 11 birds we have read, and
Now, next. The owl said, "Stop this hullabaloo. Why are you quarreling? We are all special in our own ways. Our claws, beaks, feathers and sounds are different. Yet we are all birds." हम सभी birds हैं, लेकिन हमारे जो पंजे हैं, हमारी चोंच हैं, हमारे feathers हैं, different हैं, है ना? If we all looked alike, अगर हम एक जैसे दिखेंगे, ate the same food, अगर हम एक जैसा खाना खाएंगे, and made the same sound एक जैसी होगी, think how dull the world would be. कैसा संसार हो जाएगा हमारा, है ना? कुछ पहचान ही नहीं रहेगी. सारे बर्ड एक जैसे आवाज़ कर रहे हैं, एक जैसे पंख हैं उनके. Which of the bird mentioned in the lesson have you seen? जो birds इस चैप्टर में मेंशन किए गए, क्या आपने उनको देखा है? देखा है तो नाम लिख दीजिए. जो जो 11 बर्ड्स में से जो भी आपने देखे उनका नाम आप लिख सकते हैं. यहाँ पे बर्ड्स हैं, नाम लिखना है. पहला कौन सा है? पैरट. दूसरा क्रो है. तीसरा पिकॉक. ओके. इनकी चोंचें भी आप देख सकते हैं. बीक का मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, हुक बीक वाला था, ईगल था, है ना? ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे. अभी एक जो है आपके लिए कुछ पजल बॉक्स के जैसा है, ये वाला. ये आपको यहाँ पे मैच करना है, लेकिन मैच कैसे करना है? देखो, सामने इसमें ऑब्स्टिकल है, बाधा है, आपको कहीं से पार करना रास्ता. तो एक छोटे से लड़के ने किया, रितेश ने किया है, देख लीजिए आप. ये किया रितेश ने, घुमा फिरा के रास्ता बना दिया. ठीक है, ऐसे ही आपको करना है. डायरेक्ट आप मैच नहीं कर सकते, ऐसे घुमा फिरा के इसको करना है. पहला जैसे बर्ड है, वल्चर है, तो वल्चर को जो डेड एनिमल्स खाता है, तो दूसरे नंबर पे है ना सामने, उससे मैच करना है. फिर ईगल है तो चूहे के साथ में, वुड पैकर है तो इसको इंसेक्ट के साथ में, पैरट को चिल्लीज के साथ में. फ्लाइंग हाई, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए फटाफट. विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन? जो इस चैप्टर में बर्ड्स दिए हुए हैं वो आपने देखे हैं तो नाम लिख दीजिए. क्रो आपने देखा है, स्पैरो आपने देखा है, मैना देखा है, पिकॉक देखा है, ईगल देखा है, पैरट, पिजन, वल्चर. तो जो भी आपने देखे हैं नाम उनका लिख सकते हैं. नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज इन वाटर. बाहर जाइए और देखिए कि पेड़ पे कितने बर्ड्स बैठे हैं, पानी में कितने हैं, ग्राउंड पे कितने हैं, इन एंड अराउंड बुशेज झाड़ियों के आसपास कितने हैं. हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी? तो लिख सकते हैं आप. अब यहाँ पे लिखना है क्रो को कहाँ देखा आपने? ऑन द ट्री देखा, तो यहाँ पे टिक करना है. हो सकता है उड़ते हुए देखा होगा. पिजन को कहाँ देखा? ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, उड़ते हुए. तो जहाँ जहाँ भी आपने जिस बर्ड को देखा उसमें आप टिक लगा सकते हैं. डक बतख को कहाँ देखा? पानी में देखा होगा. ठीक है, क्रेन सारस को कहाँ देखा? पानी में देखा. पेड़ पे देखा, कहाँ देखा? पैरट को कहाँ देखा? पेड़ पे देखा. घर पे देखा या उड़ते हुए देखा. मुर्गी को कहाँ देखा? वल्चर को कहाँ देखा? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक? मतलब अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चोंच होती है. गिवन हियर पिक्चर ऑफ बीक्स. ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई थी अभी वो दी गई हैं. तो कौन कौन से बर्ड्स थे वहाँ पे? पैरट था, क्रो था, पिकॉक था, फिर अगले पेज में ईगल था और एक क्रेन था. तो ये 5 वर्ड्स यहाँ पे थे और एक यहाँ पे बॉक्स खाली था, तो उसमें आप कोई भी बर्ड जो है उसकी चोंच बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे पहला पैरट है, दूसरा क्रो कौवा है, तीसरा पिकॉक मोर है, चौथा ईगल है, बाज है, चौथा और पांचवा क्रेन है, सारस है. कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? उल्लू की तरह क्या आप अपनी गर्दन घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते. नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द आउल. देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटिएट आवर वॉइस. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी वॉइस को कॉपी करते हैं ना. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? तो पैरट कर सकता है ना, पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस. अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई? पक्षियों के अलावा कौन से एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं? तो बात की थी हमने, बटरफ्लाई थी, हनी बी थी और हाउस फ्लाई. ये इंसेक्ट्स होते हैं, पंख होते हैं इनके, लेकिन एनिमल्स में काउंट होते हैं, तो ये उड़ सकते हैं बर्ड्स के अलावा. 7 नंबर है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, अगर आप पक्षी की तरह अगर आप उड़ पाते तो कहाँ जाना पसंद करते? If I could fly like a bird, अगर मैं एक पक्षी की तरह उड़ पाता then I would like to travel all around the world.
आई वुड लाइक टू रेस विद अदर बर्ड्स. आसमान में उड़ पाता, पूरे दुनिया में घूमना चाहता और अदर जो बर्ड्स हैं, दूसरे जो पक्षी उनके साथ में रेस करते. वट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट. क्या होगा अगर पक्षी उड़ नहीं पाएंगे और पैरों पर सिर्फ चल पाएंगे तो क्या होगा? इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय फ्लाइंग हाई. तो आसमान में उड़ नहीं पाएंगे. दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल. जो लैंड एनिमल है ना, धरती पर रहते हैं, उनकी तरह रह जाएंगे वो. दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देम सेल्वेज बाई फ्लाइंग अवे. ठीक है, तो दूसरे जो शिकारी जानवर होंगे वो उनको मार भी सकते हैं, तो अच्छे से वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे और धरती पर रहेंगे तो बाकी जो लैंड एनिमल हैं जो सिर्फ वॉकिंग कर सकते हैं उनकी तरह ही रह जाएंगे. सो दिस इज़ द चैप्टर और तुरंत इसके नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा आपके लिए. MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होंगे, क्विज होगी उसमें 10 प्रश्नों की, तो वो आप कर देंगे अच्छे से तो समझ लो चैप्टर आपको समझ में आ गया. थैंक यू सो मच. चैप्टर फ्लाइंग हाई क्लास 3 EVS एंड दिस इज़ शेषराज. थैंक यू.